और यहाँ आपको अहम खबर देंगे कि पंजाब स्मॉग की लपेट में आ गया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी परेशान हैं। मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। पिंडी भटियां साहिवाल और रेनाला खुद में ट्रैफिक हादसा, चार अफराद इन ट्रैफिक हादसा में जांबहक हुए हैं जबकि चार जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ आमिर रजा हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा साहब, ये बताइएगा कि मजीद कितने दिन जारी रहेगी ये सूरत हाल, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी सर, हमारी बात हुई है महकमा मौसमियात से भी, आज सुबह भी मेरी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगले 3 से 4 रोज ये जो स्मोग है ये मौजूद रहेगी। धुंध जो है उसका तो ये मौसम है, धुंध तो आनी चाहिए, लेकिन असल मसला जो इस वक्त बन रहा है वो स्मोग का है जिससे लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं। जहां तक मैदानी इलाकों की आप बात कर रहे थे पंजाब भर के, तो उसमें भी सुबह के वक्त जो है वो धुंध इसी तरह से छाई रहेगी और मोटरवे और जीटी रोड जो है कभी खुलेगी कभी बंद होगी। आज भी सुबह जब रात को जब बंद की गई थी मोटरवे तो बहुत ज्यादा फोग थी और उसके बाद आज सुबह उसको खोल दिया गया है, लेकिन जुजवी बहाल किया गया है मोटरवे को भी क्योंकि हैवी ट्रैफिक जो है उसको अभी भी मोटरवे पे नहीं जाने दिया जा रहा ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। सिर्फ गाड़ियों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा जा रहा है। जो मोटरवे पुलिस है वो बकायदा गाइड करती है कि आपने कितनी लाइट रखनी है, हेडलाइट जलानी है और किस तरह से आपने सफर करना है, और वो एहतियात के साथ अभी मोटरवे खोल दी गई है लेकिन पूरी तरह से नहीं खोली गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद रोज तक ये स्मोग जो है ये इसी तरह से जो मुख्तलिफ शहर है फैसलाबाद लाहौर इनमें रहेगी, लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। जी शुक्रिया आमिर रजा साहब।